फराज अली और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर बाय सरफराज। मेरा आज का व्लॉग है कंप्यूटर लैब, क्योंकि मैं बेसिकली हूँ टीचर और साथ साथ व्लॉगिंग का भी है मुझे शौक़। आज मेरे स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल का जो सिस्टम है वो शुरू हो गया है और तमाम लोगों ने अपनी अपनी लैब को जो है वो सेट करना शुरू कर दिया है। कंप्यूटर लैब भी मैंने सेट करनी थी, जो कि एक लैब से दूसरी लैब में जो है वो क्या हुई है, शिफ्ट हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कंप्यूटर मेरा जो कंप्यूटर लैब है वो किस हालत में थी और उसको सेट करने के बाद उसकी जो पोजीशन है वो क्या सूरत हाल है, और हमारी लैब में कौन कौन से कंप्यूटर पड़े हैं, कितने एक हैं, ये भी आपको दिखाता हूँ। और साथ साथ ये भी बताऊँगा कि कितने एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिकल की तैयारी करने आएँगे। चले हम चलते हैं अपने लैब की तरफ। हम आ गए हैं लैब के अंदर, ये देखें, ये है जी पहला पीसी और इसकी हालत देखें, वायर्स की हालत देखें, कितना एक जो है वो झुरमुट बना पड़ा है इन वायर्स का। और ये मैं आपको दिखाता हूँ जो टेबल्स हमने बनवाई हैं कंप्यूटर लैब के लिए, वो भी आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। तो ये भी आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है जनाब कीबोर्ड रखने की जगह, और इसके अलावा ये भी दूसरा, यानी कि दो पीसी एक टेबल पर जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। और ये वाली जगह जो है यहाँ से वायर्स गुजार सकते हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ ये सारे कीबोर्ड और इनकी हालत देखें, ये भी थोड़ी सी मैले हुए पड़े हैं, इनको भी सेट करना है, साफ़ सुथरा करना है। ये माउस हो गए, और कितने नए कंप्यूटर मंगवाए हैं वो भी दिखाता हूँ आपको अभी। ये एक LCD है, ये भी हमारे पास, ये आप देख रहे हैं, ये अभी सेट होना सारी चीज़ें बाकी हैं। ये मैंने इनके नीचे PC रख दिए हैं, अपना सिस्टम रख दिए हैं सारे। अभी हमने LCD जो है ना वो रखनी है, सफाई का काम शुरू है। और ये जो वाइट बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिकल बात साथ साथ समझाया भी जाएगा बच्चों को, और साथ साथ बच्चे परफॉर्म भी करेंगे। तो ये देखें जनाब, आज PNs के साथ साथ मैं ख़ुद भी जो है यहाँ पर ये सारा काम सर अंजाम दूँगा। और अभी मैं लैब सेट करने लगा हूँ, उसके बाद की मुकम्मल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये देखते हैं, आप इनको चला के भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी आप देख लें कि ये लैब मुकम्मल अब सेट हो गई है। कुछ कंप्यूटर यहाँ पे वीकेंट हैं, यानी खाली हैं, इनके लिए आज डायरेक्टर जो हमारे स्कूल के हैं उनको आज इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देंगे। एक यहाँ पर आएगा, एक उधर और एक इधर, तीन और एक वहाँ, चार कंप्यूटर और जो हैं वो अभी हमें रिक्वायर्ड हैं। तो वन बाय वन इन्हें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या जो सेटिंग मैंने की है क्या ये वाकई सेटिंग जो है प्रॉपर वर्क करती भी है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला PC जो है हमारा, इसकी सेटिंग ठीक तरीके से हो गई और ये चल रहा है। PC थोड़े से पुराने हैं लेकिन जो है वो पैदार भी हैं। दूसरा PC पावर केबल अभी मिसिंग है, तो पावर केबल लेने के लिए जो है ना वो डिमांड दी है, जैसे आती है इसको भी रन करते हैं। अभी दूसरे को चेक करके देखते हैं इसको, तो देखें इसकी पावर भी ऑन हो गई है, नीचे वाले की भी ऑन हो गई है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जनाब ये भी सही सेटिंग होगी इसकी, इस पर जैसे कि आ रहा था चेक वीडियो केबल का, तो ये भी अब सेट हो गया है, ये भी चलने लगा है। नॉर्मली स्टार्ट विंडो पे करते हैं इसको, ये भी हो गया। चेक केबल का इशू आ रहा है इसका, पता नहीं कौन सा रोला है इसका, तो इंशाल्लाह ये भी चलने लग गया अभी। हाँ देखा, ये भी चल गया, ये भी चल गया, और ये भी चल गया है। ये भी स्टार्टिंग विंडो पे लगा हुआ है, ये भी चल गया है, और ये भी चल गया। अभी यहाँ दो PC और अभी इनकी एडजस्टमेंट करनी है। ये कुछ चीज़ें थी जो ख़राब हुई पड़ी हैं, माउस, एक तीन माउस की डिमांड दी है, तीन VGA केबल की डिमांड दी है, और तीन ही पावर केबल की, क्योंकि तीन ही कंप्यूटर इस टाइम अभी मिसिंग है, बल्कि चार हैं और तीन अभी जो है ना हमने यहाँ पर एडजस्ट